अस्सलामुअलैकुम क्लास टू उर्दू के 34 यानी 34 लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। सही बेटा, आपको अपनी किताब गेंदा नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर। इस किताब को अपने सामने रखिए और मैंने लास्ट क्लास में आपको मज़मून लिखवाया था मेरा स्कूल, सही है। उसके 8 जुमले लिखवाए थे और मैंने आपको डायरी दी थी कि आप जो हैं चार जुमले जो हैं वो चार जुमलों को आपने याद करना है और बाकी के 4 जुमले मैं अगली क्लास में आपको याद करवा के टेस्ट लूँगी, सही है। पहले मैं 4 जुमलों का टेस्ट ले रही हूँ। मज़मून मेरा स्कूल, इसके शुरू के चार जुमले जो हैं इनका मैं अभी टेस्ट ले रही हूँ। आप अपने उर्दू और इस्लामियत की टेस्ट कॉपी निकालिए और किताब को अपने सामने रखिए और कॉपी निकाल कर उसकी फ़र्स्ट लाइन पर उर्दू टेस्ट लिखें, आज की तारीख लिखिए और मैं सवाल लिख रही हूँ। इस सवाल के मुताबिक आपने 4 जुमले जो हैं मेरे स्कूल मज़मून के आपने याद की जो करने को मैंने दिए थे वो आपने लिखने हैं, सही है। उर्दू और क्या करेंगे आप, ये सवाल लिखने के बाद उन्वान मेरा स्कूल, सही है। ये आप चार जुमले लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 जुमले इस तरह आप लिखेंगे और ये आपका टेस्ट है उर्दू का जो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था। ये आप इस तरीके से टेस्ट देंगे, सही है। और आगे के 5, 6, 7, 8 जुमले जो हैं वो मैं आपको डायरी दूंगी, उस वो याद करेंगे और मंडे को जो उर्दू की क्लास होगी उसमें आप जो है ये टेस्ट करेंगे, बाकी आगे के जुमले जो हैं वो उसमें याद करके लिखेंगे, याद करेंगे और फिर वो अगला टेस्ट होगा। अभी आपने 4 जुमलों का पहला टेस्ट जो है मज़मून का आपने याद करना है, क्योंकि मुझे पता है ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। पहली दफ़ा आप जो है इस तरीके से पूरे जुमले याद करके लिखेंगे मज़मून की तरीके से, तो पहले के 4 जुमले जो हैं वो आप लिखें, आप इसका टेस्ट देंगे और इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूँगी। जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपने ये टेस्ट कॉपी में करना है, सही है। और इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देगा, कॉपी में तो आप टेस्ट कॉपी में तो करेंगे, इसके अलावा स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देगा ताकि मुझे जो है पता चले किन किन बच्चों ने ये टेस्ट दिया है, सही है बेटा। समझ में आया, मज़मून मेरा स्कूल जो है इसके आपने 4 जुमले ये जो आपको टेस्ट के याद करने को दिए थे वो आपने इसमें लिखने हैं, सही है। इतनी बात समझ में आ गई है, ये टेस्ट दें और इसके बाद फिर मैं आपको आगे का काम करवाऊँगी कि आपने किस तरह करना है। जो लोग उतार रहे हैं वो देख के उतार लीजिए, फिर मैं आपको आगे का काम करवा रही हूँ।
ओके बेटा जल्दी से करें। ओके ये टेस्ट करें। अब मैं बोर्ड ड्रॉप कर रही हूँ और हम जो है आगे काम करेंगे, आपको मैं आगे का वर्क करवाऊंगी। सही है बेटा? बेटा ये बोर्ड मैं अब ड्रॉप कर रही हूँ। किताब गेंदा का पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 और सफ़ा नंबर 21। ये आप जो है किताब का ये पेज खोलिए, ये है सफ़ा, सही है, और पेज का नंबर क्या है 21। ये वाला पेज मैं आपको आज करवा रही हूँ। सही है बेटा? इसमें क्या होना है ये मैं आपको समझाती हूँ। इसमें देखें ये बनी हुई है, ये छोटी है बड़ी है, सही है। तस्वीर क्या बनी हुई है देखें, जब हम ये जो है कि दो हरफों के बीच में आती है तो उसकी शक्ल ये वाली होती है, उसके नीचे दो नुक्ते लगते हैं, ये देखें जेर के साथ है ये और ये, फिर ये छोटी ये बनी हुई है, फिर ये बड़ी ये बनी हुई है, और ये जो है इसी तरीके से छोटी ये और बड़ी ये का जब हम बीच में दो हरफों के बीच में जब ये आती है तो इसके नीचे दो नुक्ते लगते हैं इसमें, और इसके इससे मैं आपको अल्फाज बनाना जो है वो बताऊँगी। इसमें लिखा हुआ है जब हम दरमियान में आते हैं तो शोशा बन जाते हैं, शोशा देखें ये शोशे की शक्ल बनी हुई है ना, शोशा बन जाते हैं जैसे बैन खेल, सही है। फिर जीम चे हे खे रे रे जे शे और मीम के साथ आने पर आड़ी लकीर ये बन जाती है, इस तरीके से आड़ी लकीर बन जाते हैं जैसे बीच मेज़ वगैरह, सही है। अब क्या करना है, अब देखें इसमें लिखा हुआ है दरमियान में आने वाली ये और बड़ी ये के अल्फाज पढ़िए और नीचे के खानों में लिखना है इसको, सही है। बीच में आने वाली छोटी ये और बड़ी ये के अल्फाज पढ़िए और नीचे के खानों में लिखिए। अब पहला लफ्ज़ दिखाए तीन खेल देश मेरा के कील चीख तेज मेज चील जीप सीख रेत रेल बेस छीन नीम देर तेल चीन गीत, ये अल्फाज को हमने इसमें ये जो हैं इसके ये दायरे बने हुए हैं छोटी ये के और बड़ी ये के, इन अल्फाज को उसमें लिखना है, सही है। एक दफ़ा बता देती हूँ, देखें जब हम दरमियान में आते हैं तो शोशा बन जाते हैं जैसे बैन खेल, जीम चे हे खे रे रे जे शे और मीम के साथ आने पर आड़ी लकीर बन जाते हैं जैसे बीज और मेज। अब हमें क्या करना है, मैं आपको छोटी ये जो बीच में आ रही है इसके अल्फाज आपको लिखवाती हूँ। दस अल्फाज छोटी ये इसके, देखिए पहला लिखा हुआ है इसमें तीन लिखा हुआ है, छोटी ये के साथ आप मैं आपको 10 लफ्ज़ दिखा रही हूँ, आपने इसको लिखना है। पहला तो लिखा हुआ है तीन, सही है, ये तीन लिखा हुआ है। फिर दूसरा तीन के बाद मेरा, तीसरा तेज, चौथा जेब, पांचवा रेल, फिर छठा नीम, सातवा तेल, आठवां गीत,
नवा देश और दसवां ये हैं बड़ी ए के। अब आपने इन लफ्ज़ों को जो बड़ी ए के छोटी ए के जो अल्फाज हैं उनको आपने इस दायरे में लिखा। तीन लिखा हुआ है पहले को छोड़ के, नंबर दो से आप पूरे लफ्ज़ इसमें लिखेंगे। सही है, इस दायरे में जो ये सर्कल बने हुए हैं, ये दायरे बने हुए हैं जो है, दायरे को इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं, और दायरों में आपने ये लफ्ज़ लिखने हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखवाए हैं। सही है, ये लफ्ज़ जो है तीन लफ्ज़, तीन नंबर एक पर जो तीन लफ्ज़ है ये लिखा हुआ है, इस पर हाथ फेरेंगे और बाकी लफ्ज़ जो हैं वो आप इसमें लिखेंगे। सही है, जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिए ये सारे लफ्ज़। पहला है तीन, ते ये नून तीन, मीम ये मैं, रे अलज़बर्रा मेरा, ते ये जे तेज, नंबर चार जे ये बे जे जीप जेब, जे ये बे जेब, नंबर पाँच रेल, रे ये लाम रेल, नंबर छः नीम, नून ये मीम नीम, नंबर सात ते ये लाम तेल, नंबर आठ गाफ ये ते गीत, गाफ ये गीत ए साकिन गीत, नंबर नौ देश, दाल ये देश इन साकिन देश, नंबर दस की, काफ ये की लाम साकिन की। सही है बेटा, ये दस अल्फाज जो हैं ये मैंने छोटी ये बीच में दो हरफों के जो आती है उसके उसके अल्फाज मैंने आपको लिखवाए। पहला तीन, दूसरा मेरा, तीसरा तेज, चौथा जेब, पांचवा रेल, छठा नीम, सातवां तेल, आठवां गीत, नवा देश और दसवां कील। सही है, ये अल्फाज आपने लिखने हैं। फिर उसके बाद हम बड़ी ए के अल्फाज लिखेंगे। बड़ी ए के साथ जो है वो बड़ी ये जब बीच में आती है तो उसके अल्फाज कौन कौन से हैं वो मैं आपको लिखवाऊंगी। अब ये जल्दी से आप उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेक्चर के साथ मिल जाएगा। आप बड़ी ये के अल्फाज चलिए इसको मैं रब कर रही हूँ। बड़ी ए के अल्फाज सही है। अब बड़ी ए का पहला लफ्ज क्या लिखा हुआ है इसमें, तेज, दूसरा खेल, तीसरा चीर, फिर मेज, फिर चीन, नंबर पाँच ची, नंबर छः सीख, नंबर सात रेत, नंबर आठ बीस, नंबर नौ छीन और नंबर दस चीन। सही है बेटा, ये दस लफ्ज जो हैं वो मैंने आपको बोर्ड पर लिखवाए बड़ी ए के, क्योंकि छोटी ए और बड़ी ए जब दो हरफों के बीच में आती है तो दोनों की शक्ल जो है वो एक होती है, नीचे नुक्ते दो नक्शे तकते हैं और वो शोशर बनता है। सही है, जैसे ये नंबर एक लिखा हुआ है तेज, ते ये जे तेज, नंबर दो काफ है ये लाम खेल,
काफ है ये खे, लाम साकिन खेल। नंबर तीन चीख, चे ये चीख है साकिन चीख। नंबर चार मेज, मीम ये में दे साकिन मेज। नंबर पाँच चील, चे ये ची लाम साकिन चील। नंबर छः सीख, सीन ये सी काफ जो चश्मी है सीख। नंबर सेवन रेत, रे ये रेत ए साकिन रेत। नंबर आठ बीस, बे ये सीन बीस। नंबर नौ छीन, जे है ये छी नून साकिन छीन। और नंबर दस चीन, जे ये ची नून साकिन चीन। सही है। तो ये जो हैं दस लफ्ज़ जो हैं ये आप बढ़िए के सर्कल में, ये जो आपका सर्कल बना हुआ है इसमें लिखेंगे। सही है, बढ़िए के सर्कल में ये सारे लिखेंगे। पहला लफ्ज़ है तेज। सही है, इसको इस तरह लिखिए और इसका इसका जो है वो स्क्रीनशॉट करके आप मुझे भेजेंगे, और जब किताब आएगी तो किताब को भी मैं चेक कर लूँगी। और जो है आप इसको आपको जल्दी से करें अब। और ऊपर आपने आज की डेट भी लिखनी है, यहाँ पर आपने आज की डेट लिखनी है 11/9/2020। सही है, अब ये काम जो है जल्दी से आप उतारिए इस पे। जल्दी जल्दी उतारिए। नंबर एक है तेज, दूसरा है खेल, तीसरा है चीख, चौथा है मेज, पांचवा है चील, छठा है सी, सातवां है रेत, आठवां है चीन, बीस, और दसवां है चीन। सही है, इस तरीके से आपने ये अल्फाज इसमें लिखने हैं। सही है बेटा, समझ में आया किस तरीके से ये काम करना है आपने। सही है, ये आपने इस तरीके से करना है, और ये वाला भी आपने इसी तरीके से करना है। छोटी ये वाले जो अल्फाज मैंने पहले लिखवाए थे इसको भी आपने ऐसे ही करना है। सही है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट आपको बड़ी ये के अल्फाज का मिल जाएगा। ये दोनों काम आपने कॉपी पे कर लेने हैं, और आज की डेट डालनी है 11/9/2020। अच्छा बेटा, आपको पता है आज 11 सितंबर है, 11/9 नव महीने का, सितंबर का महीना चल रहा है, इसकी 11 तारीख है। इसमें एक ख़ास जो है वो दो ख़ास इवेंट हुए। एक तो कहते हैं 11 सितंबर को जो है वो यौम दिफा हम बनाते हैं, और 11 सितंबर जो है ये हमारे कायद बानी पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का आज जो है वो यौम वफात है। सही है, आज के दिन आप जो थे कायद आज़म, आपका इंतकाल हुआ। ज़्यारत में आपने रहा, आप जो है आखिरी अयाम में अपनी ज़िंदगी के ज़्यारत के रेजिडेंसी में आप रहे, और फिर आप आपका इंतकाल हुआ तो आप कराची आए, आपकी तबीयत ख़राब हुई और फिर आप जो है आपका इंतकाल हो गया, और आपको कराची में जो है मज़ार कायद में दफन किया गया। और मज़ार कायद जो है वो कराची की पहचान है, और कराची के बीच में बना हुआ हमारे बानी पाकिस्तान का मज़ार है, जहाँ पर वो दफन है। सही है। अच्छा बेटा, आपका ओके बेटा, आपको आज का आज के इवेंट का पता चला, आज के दिन क्या वाक़या जो है वो हम बहसियत कौम हमारे ऊपर हुआ कि हमारे कायद जो है वो हमें दुनिया में अकेला छोड़ गए और उनका इंतकाल हो गया। सही है, अब आपने ये दोनों ये पेज नंबर 21 का काम जो है अपनी कॉपी पे करना है, अपनी किताब में करना है सॉरी, और किताब का स्क्रीनशॉट आपने मुझे भेजना है। जब आपकी कॉपी और किताब आएगा तो मैं उसको चेक कर लूँगी। सही है, अब मैं आपको डायरी लिखवा रही हूँ, इस डायरी को नोट कर लीजिए।
याद करना है। पीर को टेस्ट होगा। सही बेटा, ये आपकी डायरी आज की क्या है? मजमून, मेरा स्कूल के जुमले 5 से 8 तक याद करना है, पीर को टेस्ट होगा। सही है, ये आपकी आज की डायरी है और आज आपका लेक्चर नंबर 34 यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।